नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। में हूं आपके साथ कंचन सिंह राज। बताइए, शुरुआत करते हैं खबरों की। गुरुवार को नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एमआईसी के समक्ष करीब 25 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें डोर टू डोर खत्म करने, गौरीघाट का नाम गौरीघाट करने, जबलपुर में शहर में देश का सबसे बड़ा राष्ट्र ध्वज लगाने, पंडित विश्वनाथ दुबे की प्रतिमा नगर निगम प्रांगण में स्थापित करने की बात पर चर्चा हुई। इस दौरान जहां एक और नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नगर निगम के भ्रष्टाचारी चरम पर है, महापौर का निगम के अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं है, महापौर द्वारा शहर की जनता को सपने दिखाए गए थे तो आज तक पूरे नहीं हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर की करोड़ों रुपयों की लागत से जगह जगह बन रही सड़कों को भी प्रदेश सरकार से प्राप्त राशि के आधार पर बनाया जा रहा है, कांग्रेस इसका श्रेय लेने में सबसे आगे क्यों आ रही है, यह सवाल भी नेता प्रतिपक्ष ने नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में पूछे। तो वहीं दूसरी तरफ महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने विपक्ष के द्वारा पूछे जा रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि शहर के सड़कों से लेकर हर संभव विकास का कार्य लगातार हो रहा है, जिसे अनदेखी करने है वो करें। बैठक में माहौल गरमाया रहा और दोनों पक्ष की ओर से सवाल और जवाब होते रहे। कांग्रेस की ओर से सदन में मोर्चा महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एमआईसी सदस्य अम्बरीश मिश्रा ने संभाला, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा का मोर्चा कमलेश अग्रवाल ने संभाला। नगर निगम सम्मान सभा की बैठक में हंगामे के बाद ड्रामा भी नजर आया। जानकारी के अनुसार नगर निगम में सदन में 69 में से 44 पार्षद भाजपा के हैं, जबकि कांग्रेस खेमे में उसके अपने 30 पार्षद भी नहीं है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज सदन की बैठक हुई है, क्या कार्रवाई हुई है? आज साधारण सभा की बैठक सुबह से चल रही है, सभी सम्माननीय पार्षदों के द्वारा अपने विचार रखे जा रहे हैं। आज पूर्व प्रत्याशा में जितने भी प्रस्ताव पारित किए थे, सर्वसम्मति से सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों ने, माननीय महापौर जी ने, उसमें अपनी सहमति प्रदान करी है। इसके अलावा मुख्य रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत वृद्ध योजना कायाकल्प योजना, इस कायाकल्प योजना को भी सदन ने आज यहाँ से अपनी सहमति दी है। निश्चित रूप से इस सहमति के बाद से हमारे नगर की 40 बड़ी सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा। और अभी लंच हुआ है, लंच के बाद भी स्वच्छता के लिए मुख्य विषय उस पर चर्चा होगी। सदन की भैया, और इसमें देखा गया जो एमआईसी से इन्होंने कुछ एजेंडे ऐसे पास करके लिए आए थे कि जो पास करने लायक नहीं, क्योंकि उसमें हमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ महापौर जी को कि आप पहले सबसे पहले अपने अधिकारियों को समझाएं, जहाँ स्वच्छता की बात आती है, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जबलपुर में कहीं सफाई नहीं दिख रही। आपने 1200-1500 लेबर एक्स्ट्रा मंगा लिए, मगर उसकी कोई चिंता नहीं। मैंने उनसे ये बोला, पहले आप नगर निगम में जितनी गाड़ियां हैं कम से कम उन गाड़ियों की मरम्मत तो करवाएं। आज नगर निगम में 15-15, 17-17 जेसीबी हैं, कहीं 5 जेसीबी चालू हैं तो कहीं 10 जेसीबी चालू हैं, तो आप सफाई का काम करेंगे कैसे? आप जब चाहे जब सदन में ये लेके आ जाते हैं कि इनकी समय वृद्धि बढ़ा दो ठेकेदारों की, हम समझ में नहीं आता कि आप लोग ठेकेदारों के प्रति इतने सहानुभूति क्यों रख रहे हैं। जहाँ तक नगर निगम का सवाल है, हम इस प्रकार के प्रस्ताव को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमने आज उनसे बोल दिया है कि हम ये प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे और वापस कर दिए उस प्रस्ताव को, और आने वाले समय में हम इनको बता देंगे कि जो नगर निगम में भ्रष्टाचार चल रहा है और अधिकारियों की निरंकुशता चल रही है। आज आप देखिए जो सेवानिवृत्त हमारे जो कर्मचारी हैं उनको समय मान देने से कतरा रहे। 2006 में मध्य प्रदेश शासन ने उसको डिक्लेयर किया था कि जो भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने 30 वर्ष नगर निगम को संवारा है, सजाया है, आज जब वो स्थापना विभाग में जाते हैं तो उनको परेशान किया जाता है, कर्मचारियों को परेशान किया जाता है, लेकिन हम इतना बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जबलपुर के विकास में जो भी प्रस्ताव आएंगे भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल उसका समर्थन करेगा, लेकिन जो प्रस्ताव हमें ऐसा समझ में आएगा कि उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है तो हम उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे, और आने वाले समय में लगातार हम इस बात को सदन में उठाएंगे क्योंकि शहर के साथ महापौर जी ने धोखा किया है। ऐसे कितने प्रस्ताव से हमने लगभग 10 प्रस्तावों को पारित किया है, क्योंकि वो ऐसे प्रस्ताव थे कि जो शहर हित में थे और महापुरुषों की मूर्ति वाली बात थी, तो उनको हमने आगे किया है।
और कुछ प्रस्ताव ऐसे थे कि जिसमें डोर टू डोर वाली बात आ रही थी और ठेकेदारों के समय वृद्धि की बात आ रही थी, तो अभी हमने उसको रोका है। पहले हम उसको समझेंगे ये करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जबलपुर में नगर निगम में किसी भी प्रकार से न इनके MIC मेंबरों को कुछ मालूम, पूरे MIC के मेंबर पूजा की सुपारी बन के बैठे हुए इनको आज देखे होगे आपने सदन में, इनके कांग्रेस के पार्षद है जो अनुपम जैन, वो खुद इनके खिलाफ खड़े हुए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि उनकी पार्टी के सत्ता पक्ष के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि नगर निगम में काम नहीं हो रहा है। और मैं बार बार